मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में मंगलू अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपने गधे को नहला रहा था। अरे हमारी प्यारी जमुनिया, तुझे ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे, एकदम हीरोइन लगेगी तू। हाँ, मंगलू को अपनी जमुनिया से बहुत प्यार था। उसकी बहुत देखरेख करता और उसे बहुत लाड़ प्यार से रखता। कभी भी वो जमुनिया से दूर नहीं होता और उसे अपने घर में ही सुलाता था। जमुनिया के साथ खाता और उसी के ऊपर बैठकर सैर भी करता। शीला मंगलू की पत्नी का नाम था। मंगलू अपने घर में होता तो शीला उसके बगल में खड़ी होती, जमुनिया भी पीछे ही बंधी होती। अरे क्या कर रहे हो आप? देख नहीं रही हो क्या, हम अपनी जमुनिया के लिए माला बना रहे हैं। भगवान ही भला करे हमारा, उसी से शादी कर लेते जब उससे इतना प्यार रखना था। हमारे लिए आज तक एक फूल भी नहीं लाए और जमुनिया के लिए माला बना रहे हो, वाह भाई वाह। हमरी जमुनिया के बारे में कुछ मत कहो। हाँ तुम जाओ अपना काम करो। हाँ हाँ, काम ही तो करने को रखे हो हमें। सुनो, एक काम की बात तुम्हें बतानी थी। कल शहर से किसी केसरी प्रसाद के घर से फोन आया था, वो पिताजी का नाम ले रहे थे। है? केसरी प्रसाद? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि तुम आओगे तो मैं बात करवाऊंगी। मंगलू अपने घर का टेलीफोन उठाता है और उससे केसरी प्रसाद के घर फोन लगाता है। हाँ हाँ, हम जौनपुर से मंगलू बोल रहे हैं। मंगलू? कौन मंगलू? अरे हम दीनानाथ के बेटे। अरे आपको मेरा प्रणाम है। अच्छा अच्छा, तुम दीनानाथ के बेटे हो। खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। हाँ हाँ, मैंने कल दीनानाथ का हालचाल पूछने की खातिर फोन किया था। बहुत वक्त बीत गया, बात नहीं हुई थी। कहाँ है वो? जी हमारे पिताजी तो पिछले ही साल परलोक सिधार गए, उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी। ओहो, अब ये सुन के बहुत दुख हुआ। उसे मैंने बहुत पहले देखा था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था वो। 25 साल उसने हमारे घर पर काम भी किया है। उसके बाद वो रहने के लिए गांव चला गया। जी हाँ, पिताजी आपको भगवान समान मानते थे, हमेशा आपकी तारीफ करते थे और आपके बारे में बताते थे। अब तो पिताजी नहीं हैं, पर मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, आपके हम पर बहुत एहसान है। देखिए, अब घर के छोटे मोटे काम होते हैं बेटा। अब मेरा बेटा विदेश में रहता है, इन सब को संभालने के लिए मुझे एक नौकर की जरूरत थी। अब आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो तुम शहर आ जाओ और यहीं पर हमारे घर पर रहने और खाने का इंतजाम रहेगा। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी, तुम्हें बस सबका ध्यान रखना होगा। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मंगलू शहर जाने की सारी तैयारियां कर लेता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से विदा लेता है। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है, शहर पहुंचकर फोन कर देंगे हम। हाँ, और जमुनिया को लेकर निकलने लगता है। अरे इसे क्या लेके जा रहे हो? इस जानवर का शहर में भला क्या काम? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, जमुनिया को नाम से पुकारा करो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्यारी जमुनिया तो मंगलू के साथ ही जाएगी। कैसे इंसान से पाला पड़ा है, जिसको साथ ले जाना चाहिए उसे घर छोड़े जा रहे हो और एक गधे को साथ लिए जा रहे हो? ए ज्यादा बातें मत बनाओ। हाँ, लाख दफा समझाया है, जाते वक्त टोकते नहीं ना है, बस टुकुर टुकुर करना ही होता है। हटो अब, जाने दो, देर हो रही है हमका। मंगलू केसरी प्रसाद के घर के बाहर पहुंचा। वहां पर गधे पर चढ़कर अंदर जाने लगा।
उसे गार्ड रोक लेता है। अरे भाई रुको, जरा रुको रुको, ये तुम गधे पर सवार होकर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? जी हमारा नाम जो है वो मंगलू है और ये है हमरी जमुनिया। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है। हम कैसे माने कि तुम्हें सेठ ने बुलाया है और गधे पर तू अंदर नहीं जा सकता? अरे हमने कहा ना, हमरी जमुनिया है, गधा नहीं है ये। तुम अपने सेठ से पूछ कर बताओ भाई। गार्ड टेलीफोन से कॉल लगाकर पूछता है, फिर उसे जमुनिया के साथ अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही एक 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी मंगलू का इंतजार कर रहा होता है। मंगलू जमुनिया से उतरकर केसरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है। अरे नहीं नहीं मंगलू, उठो उठो, आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम जौनपुर से यहाँ तक गधे पर सवार होकर आ गए? साहब ये गधा नहीं, ये हमारी जान से प्यारी जमुनिया है। हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। वो कहा है ना, हम इसे गांव में अकेला कैसे छोड़कर आते? बताइए, हम जहाँ रहेंगे वहीं जमुनिया भी रहेगी। हाँ ठीक है, तुम इसे अपने साथ रख लो, इसके खाने पीने का इंतजाम हम कर देंगे, रहने के लिए एक शेड भी बना देंगे। तभी अंदर से केसरी प्रसाद की बहू सोनिया बाहर आती है। सोनिया बहुत ही मॉडर्न थी और केसरी प्रसाद बहुत ही पुराने विचारों वाले। केसरी प्रसाद के बेटे साहिल ने सोनिया से प्रेम विवाह किया था। सोनिया केसरी प्रसाद की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। आओ सोनिया, ये मंगलू है, मैं इसी के बारे में कह रहा था। ये हमारा बहुत विश्वसनीय दीनानाथ का बेटा है, ये घर के कामों में तुम्हारी मदद कर देगा। अरे बुढ़े, ये सब काम तुम्हारा है, नौकर चाकर तू ही संभाला कर, मेरे पास बहुत जरूरी काम है नौकरों से मिलने के अलावा। मंगलू को सोनिया का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। केसरी प्रसाद भी अपनी आंखें झुका लेते हैं। तभी सोनिया की नजर जमुनिया पर पड़ती है। ओह माय गॉड, ये गंदा सा घोड़ा किसका है? नहीं नहीं मैडम, ये घोड़ा नहीं, ये तो हमरी जमुनिया है। जमुनिया? पता नहीं, मैंने आज तक इस जानवर का नाम नहीं सुना। व्हाटएवर, इसे तो प्लीज मुझसे और इस घर से दूर ही रखना। मंगलू और जमुनिया को देखकर सोनिया आंखें घुमाती है। जमुनिया भी सोनिया को देखकर फुफकारती है। फिर सोनिया केसरी प्रसाद से कहती है, अरे बुढ़े, तुझे कल मैंने 1,000 रुपए देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए, भूलने की बीमारी है क्या? बहू अभी देता हूँ, बस मंगलू को उसके रहने की जगह दिखा दू। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरी तरफ फालतू, चुपचाप पैसे निकाल कर जल्दी दे दे। सोनिया पूरे एटीट्यूड में पीछे मुड़ती है। केसरी प्रसाद और मंगलू गार्डन के कोने में जा रहे थे। जमुनिया भी घास खा रही थी। जैसे ही सोनिया पीछे मुड़ती है, जमुनिया उसे जाकर अड़ंगी देती है। सोनिया गिर जाती है, फिर चिल्लाती है, ओह माय गॉड। तभी केसरी प्रसाद और मंगलू मुड़कर देखते हैं। वो देखते हैं सोनिया गिरी हुई है। दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करती हैं। इस पागल घोड़े को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, हाय मेरी कमर टूट गई, ओए हाय, अभी क्या भी मैं तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। नहीं नहीं मैडम, जमुनिया को माफ कर दीजिए, न जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना वो ऐसा कभी भी नहीं करती। जमुनिया ऐसा नहीं करते, चल मैडम से सारी बोल, माफी मांग। जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से फुफकारती है। सोनिया उसे गुस्से की नजरों से देखती है। केसरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाते हैं। सोनिया अपनी कमर पर हाथ रखकर किसी तरह चल पाती है। अब दूसरा दिन था। जमुनिया मंगलू जहाँ रहता है वहीं बगल में बंधी होती है। उसी के पास घर से बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फोन पर बात करते करते घर से निकल रही होती है। सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है, पार्टी में जाने को तैयार।
अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल है ना, न जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुला लिया है, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। छोड़ो, अच्छा मैं तो पार्टी में पहुंच रही हूँ, तू भी जल्दी निकल, उस बुड्ढे की बातें करके मेरा मूड खराब मत कर। तभी जमुनिया अपने दोनों पिछले पैरों से बहुत सी मिट्टी सोनिया पर उड़ा देती है। सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया जोर से चिल्लाती है, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब चल बाहर निकल। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर केसरी प्रसाद और मंगलू दौड़कर बाहर आते हैं। मंगलू दौड़कर जाकर जमुनिया को पकड़ता है। वो फुफकार रही होती है, अरे अरे जमुनिया, ये तू क्या कर रही है? मैडम इस बार माफ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपा करके माफ कर दो। इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, ये ड्रेस कितने की है? उतने पैसे तो तुमने आज तक देखे भी नहीं होंगे, मेरी जूती के सोल के बराबर भी औकात नहीं तुम्हारी। सोनिया, मंगलू बहुत ईमानदार और सच्चा है, तुम उससे ऐसी बातें नहीं कर सकती। अब तो हद ही हो गई, तू अनपढ़ गंवार बूढ़ा मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी नौकरों की जैसी है, मेरा पति तुझे दो टाइम खाना देता है वही बहुत है, ज्यादा मुंह मत चलाया कर। केसरी प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मंगलू केसरी प्रसाद को दया की आंखों से देखता है। सोनिया इसी तरह बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। साहब मुझे माफ कर दो, जमुनिया को भी, वो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करती, न जाने यहाँ आकर उसे क्या हो गया। नहीं मंगलू, गलती तुम्हारी नहीं है, वो जब से इस घर में आई है एक बार मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मैंने कितने सपने संजोए थे कि बहू आएगी तो उसे सर आंखों पर रख लूंगा, वो मेरी कितनी इज्जत और सेवा करेगी, फिर सोनिया वैसी नहीं है। मंगलू को केसरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरा दिन। मंगलू जरा इधर सुनना। जी साहब। लो ये लिफाफा सोनिया के लिए आया है, उसे तुम दे देना। ठीक है। मंगलू वो लिफाफा लेता है और फिर उसे देने सोनिया के पास जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर जमुनिया पर पड़ती है। अरे जमुनिया के खाने का समय हो गया है, जल्दी से खाना दे देता हूँ वरना जमुनिया गुस्सा जाएगी, फिर सोनिया मैडम को लिफाफा दे आऊंगा। मंगलू जमुनिया के लिए खाना निकालने लगता है। वो लिफाफा उसने जमुनिया जहाँ खड़ी थी उसके टेबल पर रख देता है। वो खाना लेकर आता है तो देखता है कि जमुनिया वही लिफाफा चबा रही थी। हाय रे दैया, ये क्या हो गया, जमुनिया तूने क्या कर दिया, हाय राम, हम क्या करें। मंगलू जमुनिया के मुंह से वो लिफाफा निकालता है। जमुनिया आधे से ज्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। मंगलू बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है, उसे लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई, अपने पिताजी की सारी कमाई हुई इज्जत डुबा दी। तभी सोनिया मंगलू को पुकारती है। हे यू, बुड्ढे ने बताया कि मेरे लेटर उसने तुझे पहुंचाने के लिए दिए थे, जल्दी दो, बहुत जरूरी है। मंगलू के हाथ में फटा हुआ लेटर था। सोनिया मंगलू की तरफ आती है। हे यू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, जल्दी लेटर दो। तभी सोनिया की नजर मंगलू के हाथ में आधे खाए हुए लेटर पर जाती है। सोनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। केसरी प्रसाद भी वहां आ जाते हैं। क्या हो गया सोनिया बेटी, लेटर में क्या लिखा था? लेटर माय फुट, तुम जैसे लोगों की वजह से मैं पागल हो जाऊंगी। पहले एक बुड्ढा कम था क्या झेलने के लिए, जिसने अपने जैसे एक और को बुला लिया, बस अब बहुत हो गया। अब ना ये बुड्ढा यहाँ रहेगा ना ही इसके चेले। इन दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम बिगड़ गया। ये लेटर लंदन से आया था एक कंपनी से, कितना बड़ा ऑफर था मेरे लिए। बहू माफ कर देना, गलती हो गई है, शांत हो जाओ। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकल जाओ, साहिल से मैं बात कर लूंगी, तुम अभी के अभी इस घर से निकलो। केसरी प्रसाद और मंगलू वहां से निकलती हैं और किसी रोड के किनारे रह रहे होते हैं।
केसरी प्रसाद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मंगलू के पास कोई चारा नहीं बचता। क्या करूं अब, मालिक की तबीयत भी साथ नहीं दे रही। इस शहर में किसी को जानता तक नहीं, पता नहीं कैसे इस मुसीबत से पार लगेंगे। कुछ मदद करो भगवान। मालिक आप चिंता ना करें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे जमुनिया कहाँ गई? मंगलू जमुनिया को खोजने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कहीं भी नहीं मिल रही होती। अंत में थक कर वो बैठ जाता है। जमुनिया, ओ जमुनिया, न जाने क्या हो गया है। एक तो साहब की तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से जमुनिया भी नहीं मिल रही। समय ही ठीक नहीं चल रहा। तभी वो देखता है कि उन लोगों के पास एक लड़का चलकर आ रहा होता है। वो केसरी प्रसाद का बेटा साहिल था। मैं साहिल हूँ। मैं इतने दिनों से विदेश में था। मैं अपने पिताजी को वापस लेने आया हूँ। सोनिया ने बहुत गलत किया है। जी बाबू साहब, हमने आपको बहुत टेलीफोन करने की कोशिश की, चिट्ठी भी भेजे रहे, पर आपने देखी नहीं। हाँ, मैं काम में व्यस्त था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया आपके पिता की तबीयत खराब है, तो मैं जल्दी जल्दी आया। कौन सा बूढ़ा आदमी, उसे कैसे पता चला? मैं नहीं जानता, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। कद में छोटे थे, मोटे से और मूछें थी। बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और वो इस तरफ है, और फिर चले गए। तभी मंगलू देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई। तभी मंगलू को सारी बातें समझ आती हैं। वो समझ जाता है कि जमुनिया कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी हैं। उसके पिताजी ने अपने मालिक केसरी प्रसाद की मदद की है। मंगलू का जमुनिया के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। जमुनिया भी मंगलू और केसरी प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है। केसरी प्रसाद का बेटा साहिल केसरी प्रसाद को अपने घर वापस ले जाता है। वहां पर सोनिया से साहिल का झगड़ा हो जाता है। अंत में साहिल सोनिया को घर से निकाल देता है और केसरी प्रसाद की बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करने लगता है। मोरल, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, और किसी भी चीज को सच्चे दिल से प्यार करने से वो हमें बहुत बड़ी ताकत देती है।